नाउ so स्टूडेंट्स uh, अगर आप एक वेंडर हैं uh, आपे, आपने अपना एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन किया हुआ है एंड नाउ यू वॉन्ट टू अवेल द सर्विस ऑफ यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट गेट वे ऑफर्ड बाई एच वी एल तो uh, जैसे हमने भी देखा था कि जो गैस कैश है या टेलिनॉर का जो ईजी पैसा है उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया आपको आपको फिल करना पड़ता है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं और वो फिर उस ऑनलाइन फॉर्म के बेसिस के ऊपर ही सारी वेरिफिकेशन करके आपको आपका स्टोर आईडी और सैंडबॉक्स एनवायरमेंट और जो रेलिवेंट ए हैं वो ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन जो एच है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो इन्होंने एक अपनी वेबसाइट के ऊपर ई एड्रेस दिया हुआ है एच बी एल डॉट आई पी जी एट एच बी एल डॉट कॉम इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको फ्रॉम योर कंपनी अकाउंट यानी फॉर एग्जांपल अगर आप वी के फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई हैं या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से इस ईमेल एड्रेस पे एक रिक्वेस्ट फ्लोट करनी है कि आपकी कंपनी का नाम ये है आप एक ऑनलाइन पेमेंट गेट की सर्विस अवेल करना चाहते हैं उसके बाद दे विल इधर कॉल यू और दे विल रिप्लाई टू दैट ई और ये आपसे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे द मोमेंट दे आस्क य ने डक्यूमेंट्स उसके बाद इनकी uh, जो वेरीफिकेशन स्टार्ट होती है एच बी आई की वो थोड़ी सी लेंथी है वर्सेज टेलिनॉर uh, या जैस कैश क्योंकि ये एक टिपिकल बैंक है एक ट्रेडिशनल बैंक है तो दे विल टेक लॉट मोर टाइम एज कंपेयर टू जयास कैश और टेलिनोर उसके बाद जब वेरीफिकेशन हो जाएगी तो जो, जो आपके क्रडेंशल्स हैं वो उस ई मेल एड्रेस पर सेंड किए जाएंगे जो कि ऑथराइज़ होगी ऑथराइज ये लोग अमूमन उसी ई मेल एड्रेस को ये लोग समझते हैं जो आपका जो फर्स्ट ई मेल यानी जिस ई मेल से आपने रिक्वेस्ट की होती है तो जो किडेंशल्स हैं और जो जो सैंडबॉक्स बॉक्स की इन्वायरमेंट है वो आपको अपने ऑथराइज ई मेल एड्रेस पर ये लोग सेंड करेंगे उसके बाद जो वंस यू आर डन विद योर सैंड बॉक्स एनवायरमेंट आपने अगर टेस्टिंग कर ली यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ये ये चीज़ दिमाग में रखनी है सिंस आई है वर्कड विद एच पी एल तो इन्होंने भी अपना आ, अपना सल्यूशन या अपना जो आई पी जी का आ, जो जो डेवलपमेंट है वो फर्दर आउटसोर्स की हुई है तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ये टिपिकल बैंक है यानी टेलकोस की जो मोड ऑफ़ फंक्शनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है और टिपिकल बैंक की डिफरेंट होती है तो ये क्योंकि कोर सर्विस नहीं है ऑब्वियसली जो इनकी कोर सर्विस है वो तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है यानी डेबिट कार्ड कैश हैंडलिंग एंड सो ऑन तो इनकी जो जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी पर रई कर रहे हैं यानी इन्होंने आईपीजी की डेवलपमेंट आईपीजी की मेंटेनेंस, थर्ड uh, पार्टी को यानी किसी एक और सॉफ्टवेयर हाउस को इन्होंने आउटसोर्स uh, की हुई है तो मैं कहने का मतलब ये कि uh, जब हम इसको कंपेयर uh, करते हैं जैस कैश से या टेल uh, नॉर से तो आई कैन से जस्ट एक्सपेक्ट यानी इसमें थोड़ा सा डिले आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करें वेन एवर यू आर टॉकिंग विद एनी एनी टिपिकल एंड ट्रेडिशनल बैंक